नमस्कार, मैं हूं नीलू। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। हिमाचल के कांगड़ा में एक वैश्याना कत्ल का मामला सामने आया। इस कत्ल में पड़ोसी को ही आरोपी बताया जा रहा है। जरा सोचिए तो, पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। अगर वही पड़ोसी किसी छोटी सी बात को लेकर अपने ही पड़ोसी का कत्ल कर दे, तो फिर ऐसे पड़ोसी से तो ऊपर वाला ही बचाए। एक पड़ोसी के जुल्म व सितम की दास्तान की देखिए तफ्तीश। इंसान बना हैवान, इंसान की हरकत से शैतान भी परेशान। पड़ोसी ने किया पड़ोसी का काम तमाम, पड़ोसी का पड़ोसी पर नहीं रहा एतबार। मानवता हुई फिर शर्मसार। कांगड़ा के नटेहट गांव में उस समय माहौल खराब हो गया जब पिछले शनिवार को दो परिवारों के बीच के झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। मौत का शिकार हुए शख्स की लाश को परिवार वालों को सौंप दिया गया। गांव में एक युवक को पूरी तरह से मारपीट करके जो है उसे जो है घायल किया है, जिसे जो है टाटा मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। तो टाटा मेडिकल कॉलेज में जब हमारी पुलिस टीम पहुंची, तो वहां पाया गया कि वो व्यक्ति जो है जिसका नाम रिपर बताया गया है, वो मृत अवस्था में वहां पर पाया गया। लेकिन उस समय माहौल थोड़ा खराब हो गया जब परिवार वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। परिवार वालों की मांग थी कि वो शव का उस समय ही अंतिम संस्कार करेंगे जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। डीएसपी कांगड़ा मदन धीमान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के शव गृह में पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करते हुए आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करेगी। जिस पर परिवार वालों को शक है, उनकी तफ्तीश पुलिस करेगी। पुलिस के आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जो परिवार के चार सदस्य हैं उनको अभी डिटेन करके थाने में रखा हुआ है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कांगड़ा की हलेड़कला पंचायत में 40 साल के रिपन की हत्या के मामले में भले ही पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, और उन आरोपियों में एक दंपति जिसका नाम चमनलाल और उसकी पत्नी कृष्णा और साथ ही साथ उनके दो बेटे साहब सिंह और बिशु को गिरफ्तार करने के बाद जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन सवाल इस घटना के बाद ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे महज छोटी सी रंजिश के चलते कोई हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, वो भी देवभूमि हिमाचल जैसी शांत प्रिय स्टेट में, शांत प्रिय एक डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस के अनुसार झगड़े के दौरान 39 वर्षीय रिपन की हत्या सिर पर रॉड मारकर कर दी गई। मृतक के परिजनों के अनुसार रात में रिपन अपने भाई के साथ खाना खा रहा था कि साहिब सिंह उसके घर के बाहर आकर गाली गलौच करने लगा। इस पर रिपन उठकर बाहर आया और उसने साहिब सिंह को गाली गलौच करने से मना किया। इसके बाद साहिब सिंह अपने घर की ओर गाली गलौच करते हुए जाने लगा। इस दौरान रिपन उसके पीछे गया और फिर गाली गलौच के लिए मना किया। पुलिस के अनुसार कांगड़ा सदर नटेहट गांव में दो परिवारों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों परिवारों के बीच गाली गलौच और हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों परिवारों के बीच बहस चल रही थी कि तभी पीड़ित पक्ष का मुखिया रिपन घर आ गया। रिपन को जैसे ही गाली गलौच की जानकारी मिली तो वो गाली गलौच की वजह जानने के लिए साहिब सिंह के घर पहुंचा। रिपन जैसे ही साहिब सिंह के घर पहुंचा,
तो साहिब सिंह के घर वाले रिपन को देखकर और भड़क गए। पुलिस के अनुसार साहिब सिंह रिपन पर जानलेवा हमला कर दिया। रिपन को इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें सहन नहीं कर पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान गांव के बाकी लोग भी मौके वारदात पर पहुंच गए। गांव वाले ही रिपन को घायल अवस्था में टांडा मेडिकल कॉलेज लेकर गए। पुलिस के अनुसार इससे पहले कि रिपन टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचता, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार साहिब सिंह के परिवार वालों में आरोपी ऋषु, चमन कुमार और कृष्णा देवी घायल रिपन को घसीट कर ले गए और रिपन को बुरी तरह पीटते रहे, जिससे रिपन की मौत हो गई। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन पर इस मामले की साजिश में शामिल होने का शक है। रिपन के परिवार वालों ने ये शक जताया है। पुलिस हत्या के हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने जो है स्पॉट को विजिट किया तो यहाँ पर जो है जो एक पूछताछ की गई, उससे पाया गया कि एक ही परिवार के चार सदस्य, जिसमें चमनलाल, चमनलाल की पत्नी और उसका बेटा साहिब, ये जो है कोई गाली गलौज कर रहे थे रिपन के घर के पास। रिपन ने खाली यही पूछने की कोशिश की कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, जिस पर जो है साहब सिंह ने इस पर जो है हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार दो परिवारों के बीच गुस्से के कारण बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि बात कत्ल तक पहुंच गई। एक भरे पूरे परिवार की हस्ती खेलती जिंदगी मातम में बदल गई। एक ही गांव के बहुत करीब परिवार के सदस्यों में जो है ये वारदात हुई है और महज छोटी सी कहा सुनी से ये मामला जो है वो उठा है और उसके बाद जो है अचानक से जो है दूसरे परिवार के सदस्यों ने उस शख्स के ऊपर जो है तेज हथियार के साथ हमला करके उसे मौत की घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है जो घटना के दौरान यानी घटनास्थल पर जिस वेपन का प्रयोग किया गया, तेज धार हथियार का प्रयोग किया गया, उसे भी अब अपने कब्जे में ले लिया है। तफ्तीश इस पूरे मामले में जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक महिला और तीन पुरुषों को पुलिस हिरासत में लेकर बारीकी से तफ्तीश कर रही है। डीएसपी धीमान ने कहा कि फिलहाल हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आता है इनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तारी के बाद जो है इनको न्यायालय में पेश करेंगे और साक्ष्य जो है वो स्पॉट से जो है साक्ष्य लिए जा रहे हैं, एकत्र किए जा रहे हैं। हिरासत में लिए लोगों से अगर कोई सुराग मिलता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों में माता पिता के अलावा दोनों बेटे भी हैं। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ही अपने ही समाज में घूमता है, देखने को मिलता है और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं पुलिस भी पशोपेश में आ जाती है, कशमकश में आ जाती है कि किसे पकड़ा जाए, किसे छोड़ा जाए। इसलिए कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों को या फिर लोगों को भी जो है पुलिस का सहयोग करने की जरूरत है। ऐसे अपराधियों को जो है देखने की जरूरत है, उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है कि क्यों ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोग भी इस घटना से सकते में है। पुलिस के अनुसार इस घटना की सूचना पुलिस को पंचायत प्रधान अरुण कुमार ने दी थी। पंचायत प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि जब वो मौके वारदात पर पहुंचे तो रिपन को मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया जा रहा था, जहां के डॉक्टरों ने रिपन को मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में सरकार के आपसी मतभेद में किसी की हत्या हो जाना सभी को सन्न किए हुए है। हिमाचली लोग विवादों को आपसी सूझबूझ और संवाद से हल करने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार की हिंसा शांति प्रिय हिमाचली समाज को चिंता करने पर मजबूर कर रही है कि समाज में ऐसे आपसी द्वेष और समस्याओं को सुलझाने में हमसे कहां चूक हो गई है और इस बुराई से कैसे निपटा जाए। अपने आस पड़ोस में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो जरूर जो है वो जागरूक होने की जरूरत है, ताकि जो है इस तरह के कुकृत्यों से और इस तरह की वारदातों से बचा जा सके। तफ्तीश के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18। सांबा जिले में आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों से लोग परेशान है।
चोरों के बढ़ते हौसलों के बीच लोगों को अपने घर बार की चिंता सताती रहती है। इसलिए लोग सब काम छोड़कर अपने घरों की रक्षा में लगे रहते हैं और अपने अपने घरों को अकेला छोड़ने से डरते हैं। लोगों की माने तो ये चोर अक्सर भिखारी या कूड़ा बिनने वाला बनकर घरों की अच्छी तरह से रेकी करते हैं और फिर मौका मिलते ही रात को घरों को साफ कर देते हैं। लेकिन अब चोरों को मोड़ मिल गए हैं, पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने ना सिर्फ कई चोरों को धर दबोचा है बल्कि चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। सांबा में बढ़ती चोरियां, चोरों से हुए लोग परेशान, रेकी के बाद चोरी को देते हैं अंजाम, पुलिस की सतर्कता से चोर हुए गिरफ्तार। सांबा पुलिस ने चोरी के 6 मामलों को सुलझाते हुए तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज करके इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। आप देखिए की ये खास रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में आप जो भी देख रहे हैं वो सांबा में चोरी की वारदात को समझने के लिए काफी है। इस वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है कि कैसे चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ एक चोर जहाँ घर की दीवार फांद रहा है तो वहीं उसका दूसरा साथी गली में निगरानी कर रहा है। सांबा जिले में चोरी की वारदात में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पिछले 2 महीने के अंदर चोरों ने 15 से अधिक जगहों को निशाना बनाकर पुलिस को खुला चैलेंज दिया था। बाहरी राज्य से जो लोग आए हैं ज्यादातर वो, और लोकल भी हो सकते हैं लेकिन लोकल का कह नहीं सकते, जितने बाहर से ये आए हैं वो कर रहे हैं ज्यादा। पुलिस को जो इसकी छानबीन करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए ताकि चोरों का जल्द से जल्द और जल्दी पता चले कौन कौन है। सांबा पुलिस ने चोरी की बढ़ती वारदात की गंभीरता को समझते हुए मामले को सुलझाने के प्रयास तेज किए। इस मामले में कई जगह पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस ने अभियान छेड़ा है चोरों के विरुद्ध और अभी तक 15 चोर तथा जो बेईमानी से चोरी का सामान खरीदने वाले हैं उनको पकड़ा है। पुलिस के अनुसार चोरों के अभियान जारी रखते हुए पुलिस ने चोरी के सामान सहित कई खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चोरी के 2 अन्य और मामलों को भी सुलझाने का दावा किया है, जिसकी मैं आपसे ये जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें 2 और चोरी के मामले सुलझे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा चोरी का मामला भी शामिल है जिसमें जेवरात, गहने, सोने और चांदी के चोरी हुए थे और बरामद किए गए हैं। कैश भी बरामद हुआ है और प्रोफेशनल चोरों का जो गैंग था वह भी बस्त हुआ है। एक नहीं अपितु 2, एक और चोरों का गिरोह जो है सक्रिय था बड़ी ब्रह्मणा एरिया में, उसको भी उसका भी बंडा फोड़ कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक लगभग 6 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के गहने सहित तकरीबन 35,000 रुपए के चोरी की मोबाइल को भी बरामद किया जा चुका है। अभी इसमें टोटल 6 चोर तथा जो डिसऑनेस्ट रिसीवर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है उनको गिरफ्तार किया गया है और 24 तोला सोना, सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बनती है, मोबाइल फोन्स हैं जिनकी कीमत लगभग 35,000 बनती है। पुलिस के अनुसार चोरों से 11,860 रुपए के नकदी भी मिले हैं। कैश 11,860 रुपए है जो बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार चोरी के सामान को खरीदने वालों को भी पुलिस नहीं बख्शेगी। चोरी करने वाले के साथ चोरी का सामान खरीदने वाला भी अपराधी है। चोरी का सामान खरीद कानून के तहत एक अपराध है जिसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। इस प्रकार चोरी की संपत्ति को खरीदने वालों पर भी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द ही
उन सभी खरीदारों को पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस काम कर रही है, लेकिन चोरों की जो वारदातें दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं, और कुछ काम चोरों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी लगा हुआ है, इनके पीछे लगा हुआ है। कि मेरी पुलिस से यही एक गुजारिश है कि ताकि इसकी पूरी तह तक जाएं और देखें इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से लोग आए हैं, जो बाहरी स्टेट से जो लोग जहां पे सांबा में आ चुके हैं, कि जहां पे आके क्या काम कर रहे हैं, कोई गलत एक्टिविटीयों में साथ ना दें किसी का। पुलिस के अनुसार अब तक 13 चोर और कई चोरी का सामान खरीदने वालों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक चोरी के 6 मामलों को सुलझा लिया गया है, अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। चोरों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के अभी कुछ दिन ही हुए हैं और अब तक पुलिस को कई मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिल चुकी है। पुलिस लाखों रुपए की चोरी के सामान को बरामद कर चुकी है। सामान के कई खरीदारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी थोड़ी दिन पहले, शायद कल परसों की बात है, सांबा पुलिस की एक तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने एक चोरी को सामान को रिकवरी किया, और सामान तो रिकवर किया उसके साथ साथ इन्होंने जो चोरों के जो मेन मुखिया थे उनको ही पकड़ा। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ की उनकी करनी चाहिए सांबा पुलिस की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद मकबूल, राकेश कुमार, राम कुमार, अशोक कुमार, रमेश कुमार और प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। वहाँ पे 3 चोरों तथा डिसऑनेस्ट रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को गिरफ्तार किया है। 2 सक्रिय चोर थे, प्रोफेशनल चोर थे, बहुत दूर से आकर के वहाँ पे सके। रियासी जिले के अरनास के एरियाज में, वहाँ से भी दूर गांव में भी रहते थे। एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने बताया कि चोर दूसरे जिले से आकर यहां रेकी करने के बाद ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उनके गिरोह को पकड़ा है और पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये गांव है कंथान से, ये आकर रियासी से होते हुए जम्मू में, और जम्मू से आकर के यहाँ सांबा में चोरियाँ करते थे, और किसी को नहीं लगता था कि इतनी दूर से आकर के ये चोरियां होती होंगी और उनको कोई पकड़ पाएगा। ये बड़ा प्रोफेशनल ढंग से पकड़े गए हैं और चोर भी प्रोफेशनल चोर थे, तो ये और भी आगे बहुत कुछ बता सकते हैं। गहन पूछताछ चल रही है इस समय, उसका खुलासा करना से ही नहीं होगा कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सांबा के अलग अलग हिस्सों में चोरी के आए दिन ये सामने आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए सांबा पुलिस ने चोरों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। कहा जा रहा है कि अब तक पुलिस को एक्शन में आने के बाद चोरी के कई मामलों को हल करने में कामयाबी भी मिली। स्थानीय लोग पुलिस के काम की तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसी तरह चोरों पर शिकंजा कसती रहेगी। सांबा के लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस इलाके में दिन रात गश्त करती रहेगी, जिससे चोरों में पुलिस का डर पैदा होगा। पुलिस ने चोरों को बहुत अच्छी पकड़ा है इनको, और जिनको ये सामान बेचते थे चोर उनको भी पकड़ा हुआ है, और पुलिस अच्छा काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो पुलिस ने इनको चोरों को अच्छी नकेल कसी हुई है, तो पुलिस का अच्छा काम देखते हुए लोकल जो पब्लिक है वो भी खुश है। हमारे सांबा के जो एएसपी हैं चौधरी साहब, उन्होंने काफ़ी इसमें अपना अच्छा योगदान दिया, खुद ही जो ड्रग्स पैडलर हैं उनको पकड़ते हैं, अपनी टीम को लेके पूरी थाना प्रभारी को लेके साथ अच्छा एक्शन लेते हैं। हमें उनसे यही उम्मीद है, आगे भी यही काम करते रहें तो यही उनके लिए अच्छा और समाज के लिए अच्छा। घर में लोग अगर कहीं जाना भी होता था तो वो डर के मारे जाते नहीं थे, इसलिए कि कहीं पीछे से चोर ना आ जाए और सामान उनका ले ना जाए, इसलिए पुलिस का ये दहशत जो अच्छी तरह है, थोड़ा चोरों को भी डर खतरा है कि पुलिस कहीं भी दबोच सकती है हमको। सांबा पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह को पकड़ा है और साथ ही चोरी के सामान खरीदने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। पुलिस ने सांबा में चोरी का सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह उन लोगों में दहशत पैदा हुई है जो चोरी का सामान औने पौने दाम में खरीद कर मुनाफे पर बेचने का धंधा करते थे।
सांबा पुलिस द्वारा चोरों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शेल चोरी के मामले सुलझाते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी सांबा ने इसकी ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया कि चोरों के पास में से 24 तोले सोना और कुछ नकदी जो है वो बरामद किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो चोर हैं वो बाहरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं और दिन के समय रैकी करते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की तरफ से पैरा जो है वो कड़ा कर दिया गया और इलाके में जाँच की जा रही है और खासकर रात के समय में भी चोरों पर जो है वो नजर रखी जा रही है। और अब तफ्तीश वार्निंग, ये वार्निंग आपके काम की है जो आप जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीकों से ये फ्रॉड जो है अब किए जा रहे हैं। जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगा जा रहा है और उनकी हार्ड एंड मनी जो है, जो उनका पैसा है वो लूटा जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी डिफरेंट तरीके के इसमें अब जो है फॉर्म्स इख्तियार किए गए हैं, बट मेन मुद्दा यही रहता है कि आपको एक अनसोलिसिटेड या एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक दिया होता है और उसमें अक्सर कोई ऐसी अजीब सी वार्निंग होती है या ऐसा कोई अलर्ट होता है जिससे आप थोड़े परेशान होते हैं। जैसे कि ये SMS आ सकता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या ये SMS आ सकता है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, या और कोई ललचाने वाली, या जिससे कि आप मजबूर हो जाएं और सोचें कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे शायद नुकसान होगा। तो इस तरीके के आप कोई लिंक होता है जिस पर क्लिक किया जाता है और उससे जो डिटेल्स हैं जो फ्रॉड हैं उसके पास पहुँचती हैं और उसके बाद वो आपको कॉल करके उसका फॉलो अप लेता है या उसको बोलता है कि आपको जैसे 25 लाख का रिवॉर्ड मिला है उसके लिए आपको देने हैं या 10,000 रुपये देने हैं। तो इस टाइप के कई फ्रॉड्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और इनमें हमें इनसे फंसने के लिए हमें ये ज़रूरी देखना है कि हम किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना फंसें और जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनसे हम कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कार्ड के रिलेटेड डिटेल, अपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड डिटेल कभी भी शेयर ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि शायद जेन्युइन, क्योंकि कार्ड नंबर भी है, नाम भी है, तो शायद जेन्युइन बैंक से कॉल आया है, बट बैंक की तरफ से आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।